अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप ये क्लिप देखें। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने एक हॉरर स्टोरी सुननी है और तुम्हारी आवाज़ में लाइक डर हो और अपनी आवाज़ को थोड़ी सी लाउड रखना, ऊंची रखना और स्टोरी समथिंग मॉडर्न हो, लाइक बहुत पुरानी नहीं हो और आवाज़ से वाकई में डर पैदा होता हो। ठीक है, समझ के। शहर पुरानी इमारत जिसके बारे की आवाज़ रात को अजीब वाकयात हो। एक रात एक शख्स जिसे महमूद जैसे दिलचस्पी थी वहां गया। जैसे ही वो इमारत में दाखिल हुआ लाइटें चमकने लगी और एक सर्द हवा का झोंका आया। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। अचानक उसने एक सरगोशी सुनी, तुम यहाँ नहीं आ सकते। वो आवाज की तरफ पलटा। बस रुक जाओ। आपने देखा कितनी बारीकी से उसने अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल किया और ब्रीथिंग को एक्सप्रेस किया। तो ये है नया AI। वाओ, देखा दोस्तों AI का मैजिक। क्या आपने पहले कभी AI से इतनी नेचुरली बात की है कि आपको लगे कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं? और इस फीचर से आप अपनी जिंदगी को कितना आसान बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वॉइस मोड ChatGPT का क्या है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एडवांस वॉइस मोड ChatGPT का एक नया फीचर है जिसमें बिना लिखे सिर्फ बोलकर आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ये फीचर इतना स्मार्ट है कि आपकी आवाज को समझता है और आपको AI जवाब देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने किसी दोस्त से कैजुअल गुफ्तगू कर रहे हो। इसका यूज करना भी बहुत आसान है। ChatGPT का वॉइस मोड ऑन करें, माइक बटन दबाएं और सवाल पूछें, फिर बस AI का जवाब सुने जो आपको फौरन मिल जाता है। चाहे आपको कोई मुश्किल सवाल पूछना हो या फिर कोई टिप्स चाहिए हो, बस अपनी आवाज का इस्तेमाल करें और AI से बात करें। आप सोच रहे होंगे इस फीचर को अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करें। बहुत आसान है, आप इस फीचर को अपने होमवर्क या प्रोजेक्ट में मदद के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कोई नई रेसिपी सीखने के लिए AI से पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रेसिपी बनानी है मगर मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बनाऊं। मेरे पास 2 आलू हैं, 1 टमाटर और 2 प्याज हैं और 1 अंडा भी है। आप मुझे बताओ क्या मैं इससे कोई एक नई रेसिपी बना सकता हूं या मुझे कुछ और परचेज करना चाहिए यानी खरीदना चाहिए ताकि मैं कुछ नया बना पाऊं। चल एक मजेदार सा आइटम बना। आप प्याज टमाटर और अंडे से एक मजेदार सा आलू अंडा फ्राई बना सकते। आलू को छोटे चुकूर टुकड़ों में काटें और प्याज को बारीक काट। आलू को फ्राई कर गिल्डन बना। रुको, फिर एक पैन। मुझे कुछ और परचेज करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, जो चीजें आपके पास है उन्हीं से आप मजेदार आलू अंडा फ्राई बना सकते हैं। आलू को फ्राई करने के बाद पैन में थोड़ा तेल डालकर प्याज फ्राई करें। जब प्याज सुनहरी हो जाए तो उसमें चॉप्ड किया हुआ टमाटर डालें और थोड़ी देर पकाएं। फिर उसमें फ्राई किए हुए आलू डालें और आखिर में अंडा फेंट कर डाल। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ा सा पकाएं ताकि अंडा भी पक जाए। नमक मिर्च अपनी पसंद के मुताबिक डालें। तैयार है आपका आलू अंडा। ट्रैवलिंग टिप्स या फिर कोई टॉपिक पर रिसर्च करना हो, बस AI से बात करें, फौरन जवाब मिल जाएगा। यानी आपकी जिंदगी में जब भी कोई छोटा बड़ा सवाल हो तो AI वॉइस मोड हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर है। तो दोस्तों, आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है और AI हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम है छोटे मोटे उनमें मदद दे सकती है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए और हमें इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाने के लिए? मैं तो आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आप इस AI वॉइस मोड को ट्राई करें। एक ट्राई और आप इसके फैन बन जाएंगे। जितने ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे उतनी ज्यादा मदद होगी और AI वाकई में आपकी जिंदगी को बेटर बनाने की काबिलियत रखता है। अगर दोस्तों आपको वॉइस मोड नहीं मिल रहा तो एक दफा अपने ChatGPT को अपडेट कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर कोई सवाल हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।